एक तरफ कोरोना का संकट बरकरार है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा इससे बचने के लिए अजीबोगरीब नुस्खे बताए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह एक बीजेपी कार्यकर्ता ने गौमूत्र पिलाकर कोरोना वायरस ठीक होने का दावा किया। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता ने गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया था। इसके बाद एक व्यक्ति ने गौमूत्र पिया जिससे वह बीमार हो गया। आपको बता दें कि यह मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ा है। पार्टी में यह दावा किया गया था कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके सेवन के बाद एक व्यक्ति बीमार हो गया और उसने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दिया। पुलिस ने पार्टी आयोजन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात भाजपा कार्यकर्ता को पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा, उत्तरी कोलकाता के जोरसाखो इलाके के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता 40 वर्षीय नारायण चटर्जी ने सोमवार को एक गौशाला में गौ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया था और गौमूत्र वितरित किया था। उसने दूसरों को गौमूत्र देते हुए इसके चमत्कारी गुणों का जिक्र किया था। आपको बता दें कि एक दूसरे शख्स द्वारा भी गौमूत्र पीने से बीमार होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को गाय शेड के पास ड्यूटी पर गए एक नागरिक स्वयं सेवक ने भी गौमूत्र का सेवन किया और बीमार पड़ गया। इसके बाद उसने नारायण चटर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। वहीं इस मामले में बंगाल बीजेपी महासचिव सायंतन बसु ने कहा, चटर्जी ने गौमूत्र वितरित किया था, लेकिन उन्होंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। जब वह गौमूत्र बांट रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह गौमूत्र है। उन्होंने किसी को भी इसे पीने के लिए मजबूर नहीं किया। यह भी साबित नहीं हुआ है कि यह हानिकारक है या नहीं, तो पुलिस बिना किसी कारण के उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। वहीं बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि गौमूत्र पीने से कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने भी इसका सेवन किया है। हालांकि उनके ही पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने दिलीप घोष की राय को अवैज्ञानिक मान्यता करार दिया। राज्य की तृणमूल सरकार ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए गौमूत्र वितरण की आलोचना की है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।